नमस्कार, मैं मनु सिंह। आज हम व्यूवर्स का क्वेश्चन लेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और शेयर करिए। ये सब चीज़ें हमें अप्रिसिएट करती है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। जितने ज़्यादा लोगों का कमेंट आता है, जितने ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जितने ज़्यादा लोग अप्रिसिएट करते हैं, जितने ज़्यादा लोग थैंक्स बोलते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, सर को अच्छा लगता है, हमारी पूरी टीम को अच्छा लगता है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर कर पाए करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज हम व्यूवर्स का क्वेश्चन लेंगे, जिसमें सर से हम पूछेंगे एडवोकेट एक्ट 35 के बारे में। सर, ये एडवोकेट एक्ट क्या चीज़ है और ये 35 इसके बारे में? अधिवक्ताओं को शासित करने के लिए, अधिवक्ताओं के फायदे के लिए जी, एक समिति बनाई गई है जो स्टेट बार काउंसिल है जी, और उसके बाद इंडिया में इंडियन बार काउंसिल है जी, है ना। तो स्टेट बार काउंसिल में एक अनुशासन समिति बनाई गई है जी, है ना। ये जो मेंबर चुने जाते हैं बार काउंसिल के लिए, स्टेट बाहर, स्टेट पूरे इंडिया में जितने स्टेट हैं सबके अलग अलग बार काउंसिल्स हैं, है ना। तो उसमें अनुशासन समिति होती है जी। जब जब कभी कोई बार काउंसिल को कोई शिकायत मिलती है, किसी एप्लीकेशन पर जी, किसी अधिवक्ता के विरुद्ध कोई शिकायत आती है जी, तो वो उस अधिवक्ता को नोटिस जरिए नोटिस भेजी जाती है, नोटिस दे देते हैं और वो उसकी सुनवाई करते हैं, बाकायदा उसकी डेट लगाई जाती है, सुनवाई करते हैं जी। और अगर उसमें वो दोषी पाए गए जी, तो उसमें उनका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है जी। दो तीन बार हैं, निलंबित कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए उसे निलंबित कर सकते हैं जी, परमानेंट निलंबित कर सकते हैं और निरस्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन खारिज कर सकते हैं जी। और इसकी अपील जो है इंडियन बार काउंसिल में होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी, मतलब एडवोकेट एक्ट की। एडवोकेट एक्ट में अगर कोई दंडित हो जाता है कोई वकील, तो वकीलों को, वैसे तो वकील स्वतः अनुशासित है जी, लेकिन कुछ ये कभी कभार कभी ऐसी शिकायत आती है, मतलब एडवोकेट में डिसिप्लिन रखने के लिए इस एक्ट को, अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, वो किसी तरह से अपने मुवक्किल के साथ कोई फोर्जरी करता है या किसी को किसी तरह से अनियमित तरीके से छत पहुँचाता है, और अगर बार काउंसिल में शिकायत होती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है, कुछ दिन के लिए उसे खारिज किया जा सकता है, सस्पेंड रखा जा सकता है, या उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन उसका निरस्त किया जा सकता है। इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर अधिवक्ता कोर्ट पर जाता है, वो व्यवसाय करता है। ये एक प्रोफेशन है जी, ये व्यवसाय नहीं है जी, है ना। और प्रोफेशन व्यवसाय में यही अंतर है जी, कि प्रोफेशन में आदमी एक, उसका एक रिश्ता समाज से बनता है जी, है ना जी, अलग रिश्ता होता है, वो सम्मान का रिश्ता होता है जी। जबकि व्यवसाय में तो लेन देन होता है, व्यवसाय करके आदमी जल्दी संपन्न हो सकता है, प्रोफेशन में जी, वो आदमी अपने भरण पोषण का भी ध्यान रखता है जी, और हर किसी को न्याय दिलाता है। तो इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। धारा 35 में जैसे 35 में स्टेट काउंसिल है, वैसे 36 में इंडियन बार काउंसिल सजा दे सकती है, वो भी सुनवाई करती है। तो इस तरह से अधिवक्ताओं को अनुशासित करने के लिए ये धारा है जी। और मेरे ख्याल से व्यूअर समाज समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये था लॉ अवेयरनेस का वीडियो, जिसमें हमने आज एडवोकेट एक्ट 35 के बारे में जाना, जो डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए है एडवोकेट्स में। इसकी कोर्ट भी अलग ही लगती है क्या? हाँ, वो अनुशासन समिति वो बनाए हुए हैं बार काउंसिल में, जो चुने लोग जाते हैं मेंबर्स वकीलों में ही जाते हैं, और वही उसमें वही ट्रायल भी करते हैं, वही अब उसमें विक्टिम भी होते हैं, वही उनको जी, वही उसके अभियुक्त भी होते हैं, समझ लीजिए जी, है ना, जिनके ऊपर दोषारोपण होता है जी, जी। वही दोषी होते हैं, वही सजा भी मुकर्रर करते हैं, मतलब अधिवक्ताओं की समिति वो भी होती है जी, कोई अलग से लोग नहीं होते जी, मतलब सब अधिवक्ता का ही ये होता है कि मतलब जी। थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्वेश्चन पूछिए, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसे बताइए, हम आंसर देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अवेयर रहिए, बी केयरफुल, थैंक यू सो मच।